हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बना है। तो भाई, जैसे कि देख रहे हो अपने पीछे है हीरो की HF डिलक्स, तो आज इसका हम रिव्यू देने वाले हैं। तो फिर जो भी भाई ये वाला बाइक लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, देखना। मैं पूरा फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो ये वाला जो बाइक है 2023 वाला मॉडल बाइक है, BS6 है। तो इसका माइलेज कितना देता है, कितना एवरेज निकलता है, कितना स्पीड जाता है, तो सभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये बाइक आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी मैं बोलूँगा वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते रहना, फुल वॉच करना। जिस जिस भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाइक की तरफ, ठीक है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हूँ, वो मॉडिफिकेशन वाला वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हूँ। तो अभी सो गाइज, अभी जो है आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाने वाला हूँ। पहले आप लोग वो सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे चुकी, खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे चुकी, खाली जो चितारे मरो खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वाला जो मैंने बाइक दिखाया सिनेमैटिक शॉट आपको बढ़िया लगा। तो गाइज, ये रही आपकी बाइक जो कि है हीरो की HF डिलक्स। आप लोग देख ही पा रहे हो, FI वाला इंजन है, ठीक है। हीरो की HF डिलक्स जो न्यू मॉडल लॉन्च किया है, तो अभी नया बाइक है, अभी तक ज़्यादा चले भी नहीं। आप लोग देख सकते हो 3170 किलोमीटर चल चुका है अभी, अभी तक भी ज़्यादा बाइक चली नहीं है। बाइक में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हो जो कि आप लोग देख पा रहे हो, जो कि स्टिकरिंग का काम है, ठीक है। भोलेनाथ जी अपना जो कि स्टिकरिंग है, ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक लीवर कहते हैं, ये वाला काम मॉडिफिकेशन डिगी लगाया हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हूँ। तो ये वाला मॉडिफिकेशन पार्ट इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में आएगा, कितना खर्चा आया ये वाला कॉस्ट करने में, तो आप लोग जाके ज़रूर देखने लें वो वाला वीडियो। तो गाइज, अभी हम चलते हैं रिव्यू की तरफ से। तो रिव्यू की अगर बात करें तो ये वाला जो बाइक है इसमें अभी तक मेरे को 65-70 की माइलेज दे दिया है, ठीक है। तो इसमें फोर गियर है, ठीक है, फोर स्ट्रोक गियर है। तो गाइज, इसमें अभी तक की सबसे बढ़िया बेस्ट मेरे को लगा इसका जो सीट है ना, इसका सीट बहुत ही मुलायम है। आप लोग देख पा रहे हो इसका जो सीट है, इसका सीट बहुत ही मुलायम है। आराम से लॉन्ग राइड में, इसके लॉन्ग राइड अभी तक मैं 100 किलोमीटर लॉन्ग किया हूँ, इससे ज़्यादा अभी तक मैं किया नहीं हूँ। तो 100 किलोमीटर में अभी तक मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा जो कि बजाज सिटी 110X में किया पड़ता है सीट की वजह से। तो इसका सीट बहुत ही बढ़िया है, सीट के मामले कोई नहीं। इसका जो टैंक है, इसका टैंक है, आप लोग देख पा रहे हो इसका टैंक है 10.5 लीटर का, ठीक है। अब रिजर्व पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मैनुअली रिजर्व है। तो इसमें रिजर्व में लगभग 2 लीटर पेट्रोल रहता है रिजर्व में। जब अभी बात करते हैं तो हैंडलिंग की, तो इस बाइक का हैंडल कुछ इस तरह के दिखती है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिया है कंपनी ने हीरो की। और इसका जो मीटर है ये एनालॉग मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता, ठीक है, एनालॉग वाला मीटर मिलता है। तो आप लोगों को मैं एक बार पहले स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ, इसका एग्जॉस्ट साउंड क्या है। तो ये रहा स्विच, स्टार्ट करते हैं, एग्जॉस्ट साइज आप लोग नोट करना साउंड। बहुत ही बढ़िया साउंड है जो कि, बहुत ही बढ़िया साउंड निकल के आता है। तो अभी बंद कर देते हैं इसको। अभी चलते हैं हैंडल की तरफ से क्या क्या दिया गया है। इधर सिर्फ स्टार्ट बटन दिया गया है और कुछ भी बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है इस वाले बाइक में। और इधर लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये वाला है अपर डिपर का, ठीक है। इसमें एक चीज़ मेरे को दिक्कत लगी जो कि मेरे को अभी यहाँ पर पासिंग लाइट नहीं मिला। आप लोग अगर देख सकते हो तो यहाँ पर पासिंग लाइट नहीं दिया गया है, तो ये वाला जो लाइट है इसी से पासिंग लाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो और अगर बात करूँ तो यहाँ पर इंडिकेटर की, ठीक है, इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पर, और एक हॉर्न दिया है जो कि नॉर्मली हॉर्न है। आप लोगों को मैं आवाज़ सुना देता हूँ हॉर्न की, नॉर्मल हॉर्न है। इसमें जो गियर दिया है वो गियर फोर स्ट्रोक गियर इंजन है, तो चारों गियर नीचे की तरफ पड़ता है, मैंने इधर गियर पड़ता है आगे काम होता है, ठीक है। तो चारों गियर नीचे के, हीरो की जितने भी बाइक है आप लोग जानते हो, तो इसमें सारी की सारी गियर नीचे की तरफ दिया गया है। और ये रहा चेन कवर जो कि ऑब्वियसली इस बाइक में मिलता है। और ये रहा सस्पेंस की बात करें, टेल टाइट सस्पेंस है जो कि बहुत ही बढ़िया सस्पेंस है ये वाला बाइक की,
आप लोग पहले एक बार सस्पेंस देख लो, बहुत ही बढ़िया वाला सस्पेंस है। खड्डे में तो पता ही नहीं लगता भाई कब खड्डे में गया कब निकल गया, तो सस्पेंस बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस इसकी अगर टायर की बात करूँ तो बैक में टीवीएस की टायर दिया गया है, तो इसका जो टायर है ये भी ट्यूब वाला है, ट्यूबलेस नहीं है, ठीक है, ट्यूब दिया है अंदर। ये मेरे को सबसे बढ़िया घटिया लगता है, तो कोई ना इस सेगमेंट में जो दे रहा है अच्छा ही दे रहा है। आगे वाला जो टायर दिया गया है, आगे वाला टायर भी टीवीएस की है, आप लोग देख पा रहे हो नायलॉन टीवीएस की है। आगे वाला टायर भी टीवीएस की दिया गया है जो कि ट्यूब वाला है, इसका अंदर ट्यूब है, ठीक। अब ये रहा कुछ इसका इंडिकेटर जो कि नॉर्मल इंडिकेटर की तरह ही होता है, आप लोगों को मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार, देख लो ये वाला इंडिकेटर दिखाता है जो कि नॉर्मल इंडिकेटर की तरह ही है, ठीक है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। तो ये वाला जो लाइट दिया गया है तो एक ही हेलोजन लाइट दिया गया है, ठीक है, तो ये एलसीडी एलईडी वाला लाइट नहीं है जो कि यहाँ पे देना चाहिए था। और एक बात है, इसमें कोई भी डीआरएल नहीं मिलता जो कि इस वाला सेगमेंट में नहीं आता, ठीक है, इसमें सिर्फ ओनली फॉर लाइट ही दिया गया है, इसमें कोई डीआरएल नहीं दिया गया है। तो भाई अभी बात करते हैं सीट की, तो आप लोग हाइट देख लो, इसमें आराम से आपको कोई टेंशन नहीं है, 5 फुट वाला बंदा आराम से फिट हो जाता है इसकी जो हाइट है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की रिव्यू पसंद आया है, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो आप लोग अपने शोरूम में जाके बाय करना। अभी हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल पे इसकी प्राइस चल रही है 82,000 82,000 के लगभग, ठीक है, 82,000 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। आपको स्टेट में आप लोग जाके देख लेना, आप जहाँ जहाँ स्टेट में देख रहे हो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बताना किस किस स्टेट से वाला वीडियो मेरा देख रहे हो, तो चला के दिखाता हूँ उसके बाद वीडियो एंड कर दूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा राइडिंग भी आप लोग देख लो कि गाड़ी बाइक चलते हुए कैसी दिखती है, तो उसके बाद वीडियो को एंड कर दूँगा। आप लोग देख सकते हो मेरा हाइट 5.9 है, तो आप लोग देख सकते हो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है अभी बैठने में। खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे चुकी, खाली जो चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।